तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन में हैं। आज डेट है 21 सितंबर और देखो धूप बहुत तेज पड़ रही है। धूप दुनिया से धूप इतनी तेज पड़ रही है और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर शेड लगाऊंगी, तो शेड तो मैं लगवा रही हूँ, मगर उसमें क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं वो आपको बताऊंगी। वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जिसका टेरेस गार्डन होता है ना, उन्हें किन किन चीज़ों से मतलब किस तरह अपने पौधों को बचाएं और कैसे अपने पौधों का कि जब आप केयर करते हैं ना, केयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आगे वो वीडियो में ज़रूर से देखना। और शेड में भी मैंने काफ़ी बहुत सोचा, ठीक है, सोचने के बाद वो रिजल्ट निकला और आ जाएंगे भैया काम वाम करने के लिए। तो ये मैंने चेंज क्यों किया है वो भी आपको बताएंगे। पहले मैं कुछ और करवाना चाहती थी और फिर बाद में प्लान सेट हुआ कि कुछ और किया जाए, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखना, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी कि अगर छत पर आप शेड बनवाना चाहते हो तो क्या करें और क्या ना करें। तो वीडियो में बने रहिए, आगे वाली वीडियोज़ में वो आपके पास में वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो आज मेरे टेरेस गार्डन पर मैं ये काम करूंगी। ये जो मेरे पौधे हैं, 2 दिन से इन्हें बिल्कुल भी पानी नहीं दिया। अभी क्या थोड़ा बहुत मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, कुछ एक काम है, क्लासेस वगैरह में बिजी हो रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ टेरेस गार्डन पे कम ही ध्यान दे पा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो मेरे पौधे लाए थे किस तरीके से सूख गए। नर्सरी के प्लांटर में लाए हुए पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि जब ये नर्सरी में होता है ना, तो यहाँ नीचे तो वहाँ ये खाली मिट्टी के ऊपर रख देते हैं, तो मिट्टी का पानी, मिट्टी की न्यूट्रिशन ये सोख करते रहते हैं, तो पानी इतनी जल्दी मिट्टी नहीं सूखती है। मगर यहाँ लाके मैंने इन्हें यहाँ इस तरह पट्टी के ऊपर रख दिया ना, तो दिन भर की धूप से ये बिल्कुल सूख जा रहे हैं। बोगनविलिया है, बोगनविलिया को इतना कुछ ज़्यादा खास पानी की जरूरत होती नहीं है, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। यहाँ हमारे गुलदाउदी हैं, गुलदाउदी थोड़े बहुत लैगी हो रहे हैं, अभी पानी दे दूंगी तो अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। फिर इनको हम प्लांटर से दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करेंगे, जिसकी मिट्टी में थोड़ा सा मैं कोकोपीट डालूंगी। कोकोपीट डालने से क्या होता है, इनका मॉइस्चर मेंटेन रहता है और इतनी जल्दी ये पौधे नहीं सूखते हैं। तो वो काम करना है, वो भी करेंगे, और आगे क्या कर रही हूँ वो भी अभी आप देखना। तो अभी मेरे लिए ज़रूरी काम ये हो रहा है कि मेरे पौधों में आज मुझे अच्छे से पानी डालना है, क्योंकि दिन भर यह काम चलेगा और गर्मी भी तेज़ है, इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई छत पे पानी डालने के लिए। और जब शेड लग जाएगा ना, जो शेड मैं लगा रही हूँ ना, उसके लगने के बाद मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी रोज़ रोज़ पानी डालने की, ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखो मेरे पौधों की कंडीशन ये देखो, लगातार धूप के कारण ये कुछ इस तरीके से हो गए, लगे लगे से मुरझा रहे हैं, और थोड़ा बहुत इनमें पानी रहता है ना, तो इनकी में शाइन बनी रहती है। और आज जब आप छत पे आते हो और आप अपने पौधों की इस तरीके से कंडीशन देखते हो ना, थोड़े से मुरझाए से, जैसे आपका वेट कर रहे हो कि आप आके इन्हें थोड़ा सा पानी वानी दे दे तो ये अच्छे से खिल जाए, तो वो अच्छा लगता है हमें कि आके हमारे पौधों को पानी वानी दे, जिससे ये जिस तरीके से ये गिर रहे हैं, लगे हो रहे हैं ना, तो मतलब वो सही हो जाए। तो काम शुरू करते हैं, सबसे पहले किस पौधे को पानी दे रहे हैं, तो देखो मैं मीठे नीम को पानी दे रही हूँ। तो मीठे नीम को इस तरीके से धूप में रखा जाता है, अभी धूप बहुत अच्छी आ रही है, जब बहुत पीक की धूप आती है ना, तो आप इन्हें थोड़ा बहुत शेड में रखो, मगर अभी मैं शेड लगवा लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यहाँ भी बने रहेंगे और अपनी जगह से उन्हें कोई हटाने की जरूरत नहीं है शेड लगने के बाद। अगर ये शेड में नहीं हुए तो दिक्कत आएगी, तो इन्हें हमें इधर उधर कहीं मतलब ऐसी जगह रखना होगा जहाँ सुबह सुबह की अच्छे से धूप मिले और दिन भर की थोड़ी बहुत ठंडक मिले। तो मीठे नीम को भी दिन भर की इतनी तेज की धूप की जरूरत नहीं होती है, और वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ये देखो आप। मेरा मीठा नीम अच्छे से आज मैं इसे शावर कर देती हूँ, शावरिंग करने के बाद अच्छे से इन्हें मैं दूंगी पानी। तो आज क्या बोलते हैं, और मीठे नीम के साथ ये है कि आप अच्छे से पिंचिंग करते रहो ना, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। देखो ये मेरा प्लांटर में 20 इंची के प्लांटर में, और कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। पानी देने के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत पिंचिंग भी साथ के साथ करती रहती हूँ, पिंचिंग नहीं सॉरी वीड्स वगैरह भी हटाती रहती हूँ, देते हैं हम सारे प्लांट्स को पानी। और कुछ एक बातें मैं आपके साथ में शेयर भी करती रहूंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आके शावरिंग कर देती हूँ और फिर पौधों को पानी देती हूँ। ये सारे गुलदाउदी की कटिंग लगी हुई है जो मेरे इससे पहले विंटर सीजन के हैं, और उन मैंने बचाए हैं। कुछ एक मैंने गुलदाउदी वापस से कटिंग के थ्रू ग्रो किए। जब हम कटिंग के थ्रू गुलदाउदी वापस नेक्स्ट सीजन में लगाते हैं ना, जो मदर प्लांट होता है उससे कटिंग लेके अगर हम लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होती है बंचेस में भर के। और जो मैं ये गुलदाउदी अभी नर्सरी से लाई हूँ ना, तो मैं इनकी भी कटिंग अभी लगा दूंगी। अभी तो ये बहुत लगे हो रहे हैं, देखो इस तरीके से बहुत मुरझा गए
हैं बेचारे, हो जाएंगे, पानी डाल दूंगी उसके बाद ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। और फिर देखो टाइम मिलते ही इनकी मुझे सबसे पहले कटिंग्स लगानी है, क्योंकि ये अलग कलर के गुलदावती हैं, ये सारे हो जाते हैं हमारे कलंजू। कलंजू को रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं है, वीक में आप या तो एक बार या तो दो बार आप इन्हें अच्छे से पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट होते हैं और विंटर के प्लांट्स हैं और इनके लीफ में पानी भरा रहता है, स्टोर रहता है, इसलिए रोज रोज पानी देने की इन्हें जरूरत नहीं होती है। यहाँ आ जाते हैं हमारा ये क्या बोलते हैं, अब यहाँ आगे आ जाते हैं तो ये सारे हमारे हैं, ये वाले टिकोमा के प्लांट्स हैं मेरे, इसमें फूल बहुत प्यारे हैं, जैसे अनार में फ्लावरिंग होती है ना, अनार के पौधे में वैसे फ्लावरिंग हो रखी है और बहुत ही क्यूट से लगते हैं ये, मुझे ऑरेंज कलर बहुत ही प्यारा है। और ये मेरा कटिंग के थ्रू लगाया गया प्लांट है, इधर आ जाए, बाहर वाले पौधों को भी मुझे पानी देना है अच्छे से, यहाँ से प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दे पाती हूँ, इसलिए बाहर जाके इन्हें अच्छे से मैं पानी दूंगी। देखो बोगनविलिया पता नहीं क्या हो गया, उसको एक स्टिक मेरी खराब हो गई है, बंदरों ने तोड़ दिया है क्या, वो मुझे पता नहीं, बाकी पूरा तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो देखते हैं ये हमारा मधुमालती, मधुमालती का अब सीजन जाने वाला है, ये दोनों ग्रे कलर के बकेट में ये जो लगे हुए हैं ना, ये मेरे हैं मधुमालती। मधुमालती बहुत अच्छा क्लाइंबर है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और ये देखो अब इसका सीजन धीरे धीरे जाने वाला है, तो इसलिए इसमें आपको ब्लूमिंग दिखाई नहीं दे रही है, नेक्स्ट सीजन में अब इसमें ब्लूमिंग होगी, थोड़ी बहुत ब्लूमिंग होती रहती है, मगर बंचेस में जो फूल खिलते हैं वो आते हैं हमारे समर सीजन में। यहाँ कुछ एक प्लांट्स मैंने इस तरीके से सेट करके रखे हैं, पीछे मेरा 9 o'clock है, यहाँ मेरा चेन प्लांट है और आगे दूसरा चेन प्लांट है, और इसके पीछे मेरा टिकोमा है, जो मेन प्लांटर में है वो मेरा टिकोमा है। यहाँ आ जाए तो हमारे ये कुछ एक कलेडियम के बल्ब है, कलेडियम के नहीं सॉरी एशियाटिक लिली के बल्ब हैं, सॉरी वो एम्ब्रेस लिली के बल्ब नहीं, एम्ब्रेस लिली के बल्ब है, एशियाटिक लिली के बल्ब नहीं है, ना ही कलेडियम के, नाम हमेशा मैं इनका भूल जाती हूँ। यहाँ हमारा ये रातरानी का प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से ब्लूमिंग पे है, बस इसका स्टॉक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और वो टेढ़े में ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको बांधूंगी करके इतना टाइम निकल गया है। कुछ एक पौधे होते हैं जो इस तरीके से देखो लैगी हो जाते हैं, बिल्कुल लटक जाते हैं, उन्हें अभी पानी दूंगी और ये बिल्कुल अच्छे से खिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से एकदम मतलब इसमें जान आ जाएगी और बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। अरेब का पाम को भी शावरिंग करना बहुत अच्छे से पसंद है, इसलिए इसको रोज पानी डालिए और रोज इसमें शावरिंग करो, अरेब का पाम आपका बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो बस इस तरीके से आप अपने एरिका पाम को ऐसा है कि बिल्कुल इंडोर रखता है ना, तो इसकी पत्तियों में थोड़े थोड़े से आपने देखा होगा कि ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स रहते हैं, या उनकी जड़ ये जो नीचे से स्टेम जहाँ से दिखती है ना, वहाँ ब्राउन ब्राउन से कुछ ऐसे आपको फंगस जैसे दिखाई देता है। बिल्कुल इंडोर भी मत रखो कभी कभी एरिका पाम, इन सबको बाहर निकाल के आप रखो, वीक में एक बार अच्छे से धूप दिखाओ उन्हें, मतलब छन के धूप आए या सुबह सुबह पानी वानी का काम तो चल रहा है, उस वाले में पानी डाल रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ देखो सारे हैंगिंग में उतार के यहाँ रख रही हूँ ये बाहर वाले, क्योंकि अभी भैया आएंगे यहाँ शेड वगैरह लगाएंगे, और कैसा शेड लगाएंगे, मैंने मेरा प्लान क्यों चेंज किया वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से देखना, ठीक है। मैं क्या लगवा रही थी और मेरे अभी ये जो हैंगिंग उतार रही हूँ ना, इनके वीड्स वगैरह भी हो गए, ये सब रेंज लेके सब हटा देंगे। अरे भैया ये बंद करना पड़ेगा मोबाइल, तब हटा पाऊँगी, ठीक है। हटा के ये सारे रख रही हूँ मैं वहाँ, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं होने वाला अंदर, ठीक है। पानी चल रहा है, पानी का काम भी लगातार चल रहा है और दूसरे काम भी हमारे लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो हैंगिंग प्लांट्स निकाल लेते हैं सारे के सारे, फिर अब से मिलते हैं। तो पानी आने का सबका काम हो गया, पाइप वाइप रखेंगे सारे काम कर लिए, यहाँ भी बहुत सारी जगह पानी देना था, हैंगिंग में सब जगह पानी मिल गया है और ये बाकी हैंगिंग में नहीं आ रही थी। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कुछ नीचे जाना है, ज़रूरी काम है, इसलिए मैं इनके वीड्स वगैरह होगा ये बाद में हटाऊंगी, ठीक है। और कैसे हटाऊंगी सारी वीडियो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। अभी एक दो दिन ऐसी वीडियो आएंगी यार, प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम इतने हो रहे हैं मेरे और भी एक्स्ट्रा मेरी क्लासेस के काम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मैं बिजी हो रखी हूँ, इसलिए टेरेस गार्डनिंग का कुछ कम काम कर पा रही हूँ उसके लिए सॉरी। आज शेड लगेगा वो सारा आपको बता दूंगी, शेड जब लग जाएगा तो काफ़ी सही चीज़ हो जाएगी मेरे लिए। चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हाँ ये सही नो के वीडियोस अच्छी नहीं आ रही हैं उसके लिए सॉरी, एक दो दिन बाद अच्छे से सारे प्रॉपर वीडियोस वापस आएंगी, सारी चीज़ें मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी, तो उसके लिए सॉरी अभी की वीडियोज के लिए। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।